सबसे इम्पोर्टेंट सी एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम. जो हम बोलते हैं द फर्स्ट थिंग आई एम माय रेस्क्यूअर, तो मैं खुद ही मेरी रेस्क्यूअर हूँ. तो पहला जो स्टेप है अर्ली डिटेक्शन का, दैट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. आरोग्य जागृति. दर्शकों, आरोग्य जागृति सिग्मा हॉस्पिटल में आ चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सप्ताह चालू है. और यहाँ पे हम आज बात करेंगे डॉक्टर सोनाली साबू मैडम, जो यूनाइटेड सिग्मा में कार्यरत है, जो रेडियोलॉजिस्ट से काफ़ी अनुभवी है. इन्हीं से जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. चलिए डॉक्टर साबू मैडम के पास. डॉक्टर साबू मैम, आपका आरोग्य जागृति में स्वागत है. मैम, आज हम ब्रेस्ट कैंसर सप्ताह के बारे में बात करेंगे. हम आप ही से जानेंगे, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा क्या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. गुड मॉर्निंग, नमस्ते. मैं डॉक्टर सोनाली साबू सोनी, विमेंस इमेजिंग स्पेशलिस्ट, यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल, औरंगाबाद. मैं पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और सिग्मा हॉस्पिटल से लास्ट 15 ईयर्स से अटैच्ड हूँ. दुनिया भर में अक्टूबर महीना यह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है. एक्चुअली देखा जाए तो हर दिन, हर महीना महिलाओं के और हर एक के स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट हमने देखा है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बहुत निग्लेक्ट करती है. खुद की तबीयत उनके लिए सबसे आखिरी में आती है, जबकि महिला ये तो बैकबोन है हर घर का और हमारी इस पूरे सोसाइटी का बैकबोन है. तो इसी वजह से हम दुनिया भर में ये एक महीना सेलिब्रेट करते हैं फीमेल के हेल्थ के वेलबींग के लिए, जिसमें कि हम ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ये पूरा ही महीना वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है. हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ही बढ़ रहा है. और अगर हम आपको रियल फिगर्स बताएं तो हर 8 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से वर्ल्ड वाइड पीड़ित हो रही है. ये फिगर्स बहुत ही डरावने हैं. बट अगर आप इसका पॉजिटिव साइड देखें तो अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज यानी कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में डिटेक्ट किया जाए तो ये 100% क्योरेबल है. जिसका मतलब है कि अगर महिला हमारे पास अर्ली यानी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में जैसे ही लंप फील होता है आती है, तो हम इसको पूरी तरह क्योर कर पाते हैं और एक बहुत ही नॉर्मल और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं. बट ये दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डर के मारे, शर्म के मारे आगे नहीं आती है. और जब वो हमारे पास प्रेजेंट करती है तो वो या तो स्टेज 3 यानी कि कैंसर ब्रेस्ट में से काख में जा चुका रहता है, या तो स्टेज 4 जहाँ की ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में से निकल के बोन्स, लिवर, यह सब जगह स्प्रेड हो चुका रहता है, ऐसे स्टेजेस पे प्रेजेंट होते हैं. और इन स्टेजेस पे उसका कंप्लीट क्योर बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए ये महीने में हमारा एक ही एम है कि हम ये जन जागृति फैलाए कि एक्चुअली मैमोग्राफी की खासियत क्या है. मैमोग्राफी ये आपको गांठ फील होने के 2 साल पहले ही आपको पता चल सकता है कि कैंसर की गांठ शुरू होने वाली है क्या. इसलिए स्क्रीनिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को हमको डेवलप करना है. हमारा एम इस महीने में यही है कि हम स्क्रीनिंग यानी कि गांठ नहीं है फिर भी महिलाएं एक रेगुलर चेकअप के लिए आना चाहिए. तो हम सिग्मा हॉस्पिटल में ये महीने भर में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम 40+ एज वाली फीमेल्स का मैमोग्राफी और सोनो मैमोग्राफी ये दोनों भी करवा रहे हैं. मैमोग्राफी की ये मशीन है, यह मैमोग्राफी मशीन पे हम छाती का यानी ब्रेस्ट का एक्सरे निकालते हैं और यही एक्सरे के बाद हम पेशेंट को सोनो मैमोग्राफी यानी सोनोग्राफी पर भी देखते हैं. ये दोनों के माध्यम से ब्रेस्ट में कहीं कोई बारीक सी गांठ या फिर जनरली जो इन्वेजिव कैंसर्स होते हैं जो कि गांठ के बजाय सिर्फ छोटे छोटे कैल्सिफिकेशंस के रूप में प्रेजेंट करते हैं, उनका अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है. तो हम इसीलिए सभी महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि आपका 40th बर्थडे आप हमारे साथ मनाएं, यहाँ आकर आपका एक डिटेल और अच्छा एक हेल्थ चेकअप करवाएं, सो दैट आपकी आगे की लाइफ बहुत ही प्रॉपर रहे. मैम, जैसा भी आप महिला हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, आपने काफ़ी पेशेंट को अनुभव किया है. ये ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है?
ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा डरावनी बात है ना, पहले हम सोचते थे कि एल्डरली यानी कि 50 इस एज में कॉमन है, बट आजकल हम देख रहे हैं कि 35 इयर्स की फीमेल्स भी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, एक तो जेनेटिक यानी अनुवांशिकता एक कारण है, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मॉडिफाइबल यानी ऐसे फैक्टर्स जो हमारे हाथ में है। आजकल जो महिलाएं करियर परस्यू करती है उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, या तो बहुत लेट बच्चे होते हैं तो, और स्तनपान नहीं करते, तो अर्ली मैरिज, अर्ली चिल्ड्रन, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब कैंसर से आपको प्रोटेक्ट करता है। बट आजकल की लड़कियां जो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, वो लेट मैरिज, लेट बच्चे, नो ब्रेस्ट फीडिंग, ओबेसिटी, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब फैक्टर्स ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है उन पे, जैसे कि एक फीमेल का इनहेरेंट रिस्क होता है कि उसको कैंसर हो सकता है, तो ये तो हम नहीं बदल सकते। हम लड़की है, हमें ये रिस्क है, हमारी एज तो अपने आप बढ़ने ही वाली है, अनुवांशिकता हम नहीं बदल सकते, पर ये जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है उनको हमने बदलने की कोशिश करनी ही चाहिए। महिला को ब्रेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि भाई मेरे कुछ निकल गया तो मेरा ब्रेस्ट का मतलब फिगर ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बताती, छुपाती है। इसके ऊपर आप महिला को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पहले ऐसा होता था कि ब्रेस्ट की गांठ को पूरी तरह निकालना पड़ता था, बट आजकल सर्जरी हैज़ बिकम रियली एडवांस्ड, तो अगर कोई गांठ स्प्रेड भी हुई है तो हम कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत नए नए उपचार के तरीके आ चुके हैं, जिसमें इम्यूनोथेरेपी, बहुत और नए प्रकार आ चुके हैं जिसमें बहुत कोई बड़ा सर्जिकल स्कार भी नहीं रहता। इसलिए ये डर, जो आप डर के वजह से लोग घर पर बैठे रहते हैं, इससे क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत ही एडवांस स्टेजेस में प्रेजेंट होता है और तब तो उसका क्योर ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्ली स्टेजेस में प्रेजेंट करना, दैट इज अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली क्योर एंड अ वेरी गुड क्योर। सो इसलिए अर्ली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। महिला जो होती है, अभी जैसा ऑपरेशन हो गया है हमारा ब्रेस्ट निकालने के बाद, ये डर रहता है जैसा बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं फिर भी छुपाती है, क्या एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, फिर हमारे घर वाले खर्च नहीं करेंगे, तो ऐसे में महात्मा ज्योतिबा फुले के अंतर्गत ये शस्त्रक्रिया होती है, फ्री में होती है, लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं पता है, इसलिए टालती है। यस, ऐसा बहुत से लोगों में होता है। टिपिकली जो लोग गांव के तरफ है वो महिलाएं तो नहीं प्रेजेंट करती है, बट हमारे गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाई है और स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए ये स्कीम्स इंडिया में गवर्नमेंट ने अप्लाई की है। तो आप आइए, आप हॉस्पिटल में आइए, हॉस्पिटल का स्टाफ, MJPJY वाले, ये सभी लोग आपके हेल्प के लिए रेडी है। जो जो बातें कवर हो सकती है वो 100% कवर की जाती है इन स्कीम्स में। आखिरी क्वेश्चन है, जैसा ब्रेस्ट कैंसर सप्ताह चालू है, महीना चालू है, इसमें आप लोगों भी काफ़ी अवेयरनेस कर रहे हो, लेकिन महिला ने अपना सेल्फ डायग्नोसिस कैसा करना चाहिए, उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे महिला को? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने पूछा है। एक्चुअली ये खुद मैं ही नहीं कवर करना चाहिए था। सबसे इम्पॉर्टेंट, सी एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम, जो हम बोलते हैं द फर्स्ट थिंग, आई एम माई रेस्क्यूअर, तो मैं खुद ही मेरी रेस्क्यूअर हूँ। तो पहला जो स्टेप है अर्ली डिटेक्शन का, दैट इज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्तन का खुद अपने आप, अपने स्तन का अपन ने ही परीक्षण करना। तो हम कहेंगे कि महीने का एक आप दिन फिक्स कर लीजिए, आपके महावारी के चौथे या पांचवे दिन, महीने में एक दिन आपको आपके ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, जिसमें कि आपको पूरी तरह ऊपर से लेके नीचे तक और हर साइड में ब्रेस्ट को पूरी तरह पालपेट करके देखना है, दोनों ब्रेस्ट के साइज को कंपेयर करना है, कोई स्किन में कलर चेंज हुआ है, नीपल का कुछ रिट्रैक्शन हुआ है, काख को भी चेक करना है कि काख में कोई गांठ है क्या। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और ये हर महिला ने, नॉट 40 के ऊपर, ये 20 साल से ऊपर की सभी लड़कियों ने करना है, क्योंकि बहुत सारी हार्मोनल गांठें भी होती है जो कि यंग लड़कियों में पाई जाती है। तो सभी लड़कियों ने 20 प्लस के एज से ही सभी लड़कियों ने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना ही चाहिए। थैंक यू मैम, हमारे दर्शकों को काफ़ी आपने अच्छा मार्गदर्शन किया है। हम भी आशा करते हैं कि दर्शकों ने, डॉक्टर साबू मैडम ने जो बताया, टिप्स दिया है हमें अपने ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए, कैंसर इससे डरना नहीं है, उससे सामना करना है, यही मैडम का कहना है। और हम सभी दर्शकों से यही चाहते हैं, अगर कुछ भी अगर आपको तकलीफ होती है
तो मेमोग्राफी जो फर्स्ट बताया है उसमें अपने को डिटेक्ट होता है। अगर कैंसर निकलता भी है तो भी उसमें क्योरेबल ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज पे करना चाहिए, ऐसा मैम का बोलना है। धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच। आई थैंक दिस चैनल, आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा एम ही जन जागृति है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मेल्स में भी ये कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो फीमेल्स को ही नहीं मेल्स को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। छोटी से छोटी गांठ महसूस होने पे मेल्स ने भी डॉक्टर्स को आकर मिलना चाहिए और उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आरोग्य जागृति।